नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। देश इस समय विकास की तरक्की की छटपटाहट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि तरक्की का रास्ता, विकास का रास्ता शांति के जंगलों से होकर गुजरता है। लेकिन कानून और व्यवस्था, शांति बनाए रखना आज के राजनीतिक और आर्थिक हालातों में बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। इन सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान के विशेष पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह जी। नवदीप जी, पुलिस के पास संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती जा रही है। जी बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे विकास के हम नए नए अंजाम हासिल कर रहे हैं और जैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दे भी जटिल होते जा रहे हैं। बहुत सारी आम नागरिकों की ऐसी समस्या हैं जो नागरिक सेवा प्रदत्त विभागों से संबंधित हैं, उन विभागों से संबंधित बातों को लेकर आम नागरिक उद्वेलित होता है और कई बार उसका उस उद्वेलित होकर के सड़कों पे आ जाना हमारे लिए, ये पुलिस आपके लिए ज़्यादा दिक्कत, हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देता है। यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट की जो इनएफिशिएंसी और अक्षमता है, उसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो वो समय पे नहीं, अगर उनकी पूर्ति करते हैं तो उद्वेलित जनता को शांत करने का या उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस पे आ जाती है। तो क्या नवदीप सिंह जी, लगता नहीं है कि पुलिस में अपने आप में भी प्रशिक्षण की बहुत कमी है? क्योंकि जिस तरह से स्टफ जो सामने आ रहा है, जिस तरह के सिलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह से जो कानून व्यवस्था या इस तरह की अपराधों से निपटने की जो क्षमताएँ वो पुलिस की कम होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जो पुलिस विभाग में कर्मचारी हैं, ख़ास तौर पे राजस्थान के, वो बड़े अच्छे प्रशिक्षित हैं और हमारी पुलिसिंग का, अपराध प्रबंधन का। पर नवदीप सिंह जी, ये बड़ा सवाल उठाता है, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रशिक्षित हैं और सक्षम हैं, लेकिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जयपुर देश के 5 अपराधों की महानगरी में शामिल हो चुका है। मैं कानून व्यवस्था इस प्रदेश की करीब करीब लगातार 6 साल से देख रहा हूँ जी, और मैंने यहाँ कानून व्यवस्था बड़ी उत्तम बना के रखी हुई है। ख़ास तौर पे मौजूदा सरकार का जो 1 साल है, इसको हम कह सकते हैं कि रोज़ी बिल्कुल ही बहुत खूबसूरत 1 साल रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था की कोई विपरीत ये भी कहते हैं कि पिछले 1 सालों में लगातार जो आरोप लगते हैं कि हर सप्ताह 5 के लगभग दंगे बलवे, इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, हर सप्ताह राज्य में कम से कम 5 बलवे या दंगे और आपस के टकराव हुए हैं। नहीं जी, जो आंकड़े आपने कहाँ से लिए हैं? अगर ऐसा होता तो सारस मिस्त्री जो हैं, टाटा सन्स के सबसे ऊपर के एग्जीक्यूटिव हैं, वो जयपुर में आए, उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, ये शांति से गुजर, जो शांति का वातावरण अभूतपूर्व यहाँ 1 साल में अभी रहा है वो पहले कभी। सरकार बदलने के बाद कुछ इच्छा शक्ति में बदलाव आया? देखिए, मैं तो 6 साल से देख रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ अपने बारे में कि हमारी जो एक स्टैंडर्ड हम निर्धारित करते हैं, जो मैं निर्धारित करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उससे बेहतर और कर। एक और अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सीधा सीधा आरोप ये लगता है कि क्योंकि पुलिस अक्षम है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी कंट्रोल है। देखिए, जो अपराधों का बढ़ना बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, कई बार नए कानून ऐसे आते हैं जिसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, कई बार सोसाइटी जागरूक हो जाती है, कई बार लोग पढ़े लिखे होकर के कई शिकायतें लाना शुरू करते हैं। हमारे चंबल के जो भीड़ हैं उसमें डकैती की बड़ी भारी समस्या थी, राजस्थान पुलिस ने उसको पार पाया, उसके ऊपर फतेह हासिल की, ये हमारी अच्छी परंपराओं के नतीजे हैं और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी परंपराएं डाल के आगे बढ़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर है और हम कटिबद्ध हैं कि आपको एक सुरक्षित वातावरण दें और आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था दें जहाँ शांति रहे। नवदीप जी, अभी आपने कहा कि 6 साल से आप कानून और व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा, तो क्या पिछली सरकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था? मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, मैंने कहा है कि इस एक मौजूदा सरकार का जो 1 साल का समय है, इसको हम कह सकते हैं कि बहुत रोजी पीरियड रहा। जहां तक सरकारों का सवाल है, सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई है और प्रशासनिक व्यवस्था संवैधानिक और कानून के तहत है,
जो बहुत राजस्थान में उच्च कोटि की परंपराएं यहाँ रही हैं। आप तो लगातार राजस्थान पुलिस को में प्रेशर झेलते हुए आगे बढ़े होंगे, कितना प्रेशर रहता है, राजनीतिक हस्तक्षेप कितना रहता है? क्योंकि ज़्यादातर जब रिटायर्ड हो जाते हैं पुलिस ऑफिसर तब बताते हैं कि हम तो बहुत राजनीतिक प्रेशर में काम करते थे, आपके साथ क्या? शायद ऐसा होता हो कि जो ऐसा प्रेशर मानते होंगे उनको ऐसा प्रेशर आगे मिलता होगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी परंपराएं बहुत स्वस्थ हो चुकी हैं और उन स्वस्थ परंपराओं का नतीजा ये है कि अब कानून सम्मत प्रशासन काम कर रहा है, कानून सम्मत लोग निर्देश आदेश मानने लगे हैं, कानून सम्मत ही पार्टियां काम करने लगी हैं। इससे पुलिस का काम सरल हो गया। हम जो मान सकते हैं कि कानून सम्मत काम ज़्यादा होने लगे हैं। क्या आप राजनीतिक दबाव को मानते नहीं हैं या आपके ऊपर आते नहीं हैं दबाव? मेरे ऊपर आते नहीं हैं, और दूसरा हो सकता है कि मेरे काम का उच्च कोटि का जो स्तर है उसमें वो गुंजाइश ना रहती हो। आपका जो परिवार है वो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन रखता है, इसके चलते शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं आपको प्रेशर से मुक्त रखते हैं। पिछली गत सरकार में भी इसी पद पे था और इस सरकार का अभी 1.25 साल होने जा रहा है तो भी उसी पद पे हूँ। और शायद आज भारत में ऑल इंडिया सर्विस का सबसे लंबी अवधि का की टेन्योर में होने वाला शायद मैं एक ही अधिकारी हूँ। क्योंकि आपकी पत्नी विधायक रही हैं, कांग्रेस की नेता हैं, क्या उनकी ओर से कभी प्रेशर? वो अच्छी सभ्य पढ़ी लिखी महिला हैं जिन्होंने अपनी सोच से अपना एक प्रोफेशन चुना है और उनको हक है कि वो अपने प्रोफेशन को पूरा तन मन से अपने निष्ठा से उसका पालन वो करें। जैसे आप नेताओं के दबाव को ऊपर ही ऊपर उड़ा देते हैं, आपकी पत्नी भी नेता है, उनके दबाव को भी आपने इसी तरह से उड़ा दिया? देखो, पत्नी का जहाँ तक अधिकार पत्नी होने का है वो पूरा है, परंतु मेरी जो आचार संहिता मेरे पे लागू है, मेरी जो सेवा है उसकी कुछ आचार संहिता है, तो मैं उस बंधन के अंदर काम करता हूँ और अपना निष्पक्ष रखता हूँ अपने आप को, और ऐसा कोई इंटरफेरेंस। नवदीप सिंह जी, आप क्योंकि 6 साल से हैं, उससे पहले राजस्थान ने एक बहुत बड़ा बुरा दौर देखा था, कानून व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से महीनों तक जाम रही थी गुजरों के आंदोलन ने। ऐसी घटनाओं से हम सबक लेते हुए आगे बढ़े हैं, उन घटनाओं से मैंने बहुत निष्कर्ष और सबक निकाले और मेरे जो फील्ड फॉर्मेशन हैं उनको मैंने उन सबकों के आधार पर इन 6 साल के अंदर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने दिया जिससे कि वो आमजन के मानस पे कहीं वो कचोट पैदा करें। क्या आपको भी लगता है जब कानून व्यवस्था हाथ से निकल जाती है तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर की ढिलाई या उसकी लापरवाही जिम्मेदार होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे शरीर के किसी अंग में कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, चीरफाड़ की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार समाज में ऐसे कठोर कदमों की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए पुलिस विभाग जैसा विभाग बनाया है जो कानून को बड़ी कठोरता से लागू करे और उनको जो साधन मुहैया किए गए हैं उनका वो इस्तेमाल किया गया करे और उसी के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। जब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, कुछ लोग मारे जाते हैं, जैसा कि गोविंदगढ़ में हुआ, तुरंत पुलिस ऑफिसर को बदल दिया जाता है। आखिर में आप कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर उसको क्यों बदल दिया जाता है, क्यों ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्यों सारी की सारी जो तहमत है वो पुलिस ऑफिसर के सिर पर मड़कर राजनीतिक नेतृत्व अलग हो जाता है? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मेरा जो रोल है उससे बाहर के हैं। जैसे मैं पुलिस अधिकारी हूँ, एक विभाग में कानून व्यवस्था लागू करता हूँ, कुछ मुद्दे प्रशासनिक हैं, उनके ऊपर मेरे द्वारा कमेंट दिया जाना उचित नहीं है। पर आपको क्या लगता नहीं है कि इसके कारण जो लगातार इस तरह की कार्रवाई होती है कहीं ना कहीं पुलिस का बाल कमज़ोर हो जाता है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने से बचने लगते हैं, डरने लगते हैं, और उसका असर दिखाई देने लगा है कि पुलिस के ज़्यादातर अधिकारी जो है निर्णय लेने से पहले 20 बार सोचते हैं, तब तक स्थिति अनियंत्रित हो जाती है? देखिए, हर जो काम होता है उसके कुछ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होते हैं। जैसे फौज के सिपाही को जंग के अंदर मौत का सामना करना पड़ सकता है, पुलिस में भी हमारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हैं, जैसे लंबी ड्यूटी हैं, दिन और रात की ड्यूटी है, और ऐसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार हमें जान भी गंवानी पड़ती है। तो ये हमारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हैं जिनका हमारी सेवा के साथ लगातार संबंध बना रहता है, मगर इन सब के बावजूद हमें उच्च कोटि का मनोबल बनाए रखने की प्रेरणा और शिक्षा भी साथ साथ मिलती रहती है। और वो अधिकारी जो लीडरशिप बाय पर्सनल एग्जाम्पल
अपने आप को उदाहरण बना के प्रस्तुत करते हैं वो अपने साथ के बेड़े का मनोबल ऊंचा रखते हुए उच्च कोटि के उनसे। पर ऐसे में क्या नवदीप जी जब लगातार पॉलिटिकल प्रेशर पड़ते रहते हैं, लोग पुलिस को गाली देते रहते हैं, अफसर के निर्णय को लेकर उंगलियां उठती रहती हैं, विधानसभा में चर्चा होती रहती है, खींचा जाता रहता है पुलिस को, ऐसे में किस अफसर का इकबाल बड़ा मजबूत रहेगा? अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं तो फिर पुलिस अफसर तो क्या बिसात। देखिए कुछ इस तरह का जो सामाजिक वातावरण है उसमें कुछ प्रॉपर्टियां हमारे हिस्से में तब से आई हुई हैं जब अंग्रेज़ों का राज था। कानून उनके समय में बने हुए थे। 1861 का जो कानून बना वो 1857 की आज़ादी की जंग के बाद आम जनमानस को कंट्रोल करने में या आज़ादी की जंग को कुचलने के लिए कानून बने, वो कानून आज़ादी के बाद से भी हमें मिले। और पुलिस की उस तरीके की रूपरेखा जो पब्लिक के जहन में थी वो हमें विरासत में मिली। वो जो विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं उनकी वजह से कई चीज़ें हमें आज तक सहनी पड़ती हैं। परंतु आज जो बेड़ा है ये कम्प्लीटली ओवरऑल होकर के लोकतांत्रिक है, आम जनता से के प्रति संवेदनशील है, आम जनता की सहभागिता से छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित है। कानून भी ऐसे बन गए हैं जो आम जन को संबल और सहयोग देने वाले हैं और हमारे नवाचार भी इसी तरफ आगे बढ़ने के हैं। अभी ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि पुलिस अफसर एक प्रकार से ढीला हो जाए या कमज़ोर अपने आप को सिद्ध कर ले, ऐसा नहीं है? देखिए मैं अपनी उदाहरण बोलूँ कहूँ तो अब 33 साल की सर्विस में मेरे तो उत्साह में कोई कमी नहीं आई और ना मैं ढीला हूँ और ना काम लेने में ढीला हूँ और ना मेरी जो टीम होती है वो कभी मेरे 33 साल में ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा जहां मैं कहूं कि मेरी टीम ने उत्साह से काम नहीं किया। बाकी सारे अफसरों के बारे में नवदीप जी ये नहीं कह सकते, रिस्क ही नहीं उठाते हैं, डरते हैं कि क्यों रिस्क उठाया जाए, क्यों क्यों फालतू में पॉलिटिकल कन्फर्टेशन किया जाए, क्यों मुख्यमंत्री से डांट खाई जाए या होम मिनिस्टर के आगे हाथ जोड़े जाए। इस मुद्दे पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये रिजल्ट जो देते हैं वो फील्ड के अफसर देते हैं। ये बात ज़रूर है कि जो लीडर जो होता है वो अपनी उदाहरण पेश करता है उसकी निष्पक्षता से नीचे तक एक मैसेज जाता है। अंग्रेजों के जो समय के जो एक्ट हैं वो पुलिस को परेशान करते हैं, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के स्पेशल डीजी नवदीप सिंह जी। नवदीप जी बात हो रही थी अंग्रेजों के कानून की, अंग्रेज तो चले गए लेकिन कानून थोप गए और पुलिस आज भी परेशान है इन अंग्रेजों के कानून को लेके। क्या लगता है कि अंग्रेजों का कानून कैसे बदले और ये क्यों नहीं बदल पा रहा? देखिए बदलाव आया है अभी हाल ही में राजस्थान में जो पुलिस एक्ट है वो पुराना बदल करके 2007 में नया आया है। उस पुलिस एक्ट के तहत नए पुलिस के कानून प्रक्रियाएं बनी हैं। व्यवस्था को लेके जो कानून वो भी अभी पुराने स्टडे कल हैं। अटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी माना गया है कि जितने हम जागरूक होंगे उतनी हमारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। पुलिस विभाग में हम अंदर से बहुत प्रयास कर रहे हैं परंतु हमारी जो फोर्स है बल है ज़्यादातर 97-98% उसका हिस्सा जो है कॉन्स्टेबल ही हैं। वो उसी समाज में से आते हैं जिस समाज में से सभी नागरिक हैं। हमारी पुलिस वैसी ही है जैसा हमारा आम नागरिक है, हमारा नेतृत्व वैसा ही है जैसा उस नेतृत्व को वोट देने वाला है। आम जो पुलिस बल है उसका समय है तो नियमित कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में बीत जाता है, ट्रेनिंग और उसको इक्विप करने की जो बात है वो तो उधर ही रह जाती है। ये बात सही है कि हमारे पास साधनों की कमी रहती है। साधनों में अगर हम सर पे लेते हैं तो पैर नंगे, पैर पे लेते हैं तो सर नंगे जैसी बात आती है और ट्रेनिंग इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा देने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसी वजह से हमने अभी कोशिश की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो पुलिस लाइन्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाया जाए ताकि रिफ्रेशर कोर्सेज छोटे छोटे नवदीप जी बात हो रही पिछली वसुंधरा जी की गवर्नमेंट के ध्यान है उस समय बड़े मैंने स्मार्ट पुलिस थानों की बड़ी चली थी। उसके बाद तो वो स्मार्ट पुलिस थाने वापस स्मार्टनेस खत्म हो गई, वापस वो अपने पुराने ढर्रे पे आ गए। जो आप कह रहे हैं कि साहब स्मार्ट थाना, आप ISO थाना जी की बात कर रहे हैं, उसमें ये था कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन उन थानों की होना चाहिए रिकॉर्ड कीपिंग में या अनुसंधान में, तो वो बहुत सारे उसके बाद थानों में ये लागू हो चुकी है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है
और डाटा बेस बन रहे हैं और साथ साथ बड़े नए इनिशिएटिव हो रहे हैं, पब्लिक को हम ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं, लड़कियों को उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए शिकायत अगर वो करती हैं तो उसको व्हाट्सएप एप्लीकेशन दे रहे हैं और आजकल पर उसके बावजूद नवदीप जी एक बड़े कि पुलिस स्मार्ट हो रही है, लेकिन इसके साथ ही मेरे ख्याल से ज़्यादा तेज़ी से अपराधी स्मार्ट हो रहे हैं। एक निरंतर बिल्ली चूहे का ये दौड़ चलती रहती है अपराधी और पुलिस के बीच में। अभी साल सवा साल जो अभी मौजूदा सरकार का है, मैं मौजूदा सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अहम आयाम हुआ करते हैं, तो उस इसके दौरान बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को महत्वपूर्ण मिली है। सरकार बदलने के साथ ये प्रभाव पड़ा या पुलिस का इकबाल अब मजबूत हुआ है, क्या चक्कर है इसके पीछे? नेतृत्व का फ़र्क, चाहे वो पुलिस का नेतृत्व है चाहे वो राजनीति का, कुछ पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ज़रूर होता है। कुदरती तौर पर इन दिनों में कुदरत बहुत मेहरबान रही है। जिस तरह से CBI को राजनीतिक क्लच से, राजनीति के पंजे से मुक्त किया है, ऐसे बार बार मांग उठती है कि पुलिस की व्यवस्था को भी राजनीति के इस पंजे से मुक्त कर देना चाहिए। अब वो किसी भी माध्यम से समाज तय करे कि हम वो सक्षम तरीके से कैसे कर सकते हैं, और वो व्यवस्था अगर हमें देते हैं तो हमें वो व्यवस्था मंजूर है। पुलिस के अंदर कहते हैं कि चमचागिरी और चापलूसी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, ये कहते होंगे, पर अगर जहाँ तक मैं अपने बारे में बात करूँ, शायद आपने मेरा जाना भी होगा, तो ना तो मैं किसी की चापलूसी करता हूँ, ना मेरे यहाँ कोई करने आता है। शायद 33 साल की सर्विस में मेरा रेपुटेशन ऐसा बन गया है। ऐसा कहते हैं कि अच्छा थाना चाहिए, अच्छा जिला चाहिए, तो राजनीतिक जोड़ तोड़ के साथ अपने अफसरों से भी अच्छा संबंध और संपर्क भी चाहिए। कहीं जगह सब्जेक्टिविटी हो सकती है, परंतु आज भी हम एक अच्छा थानेदार, अच्छा डिप्टी SP, अच्छा एडिशनल SP की तलाश में रहते हैं, जो हमें मिल सके, जिसको लगा करके हम निश्चिंत हो सके। आमतौर पर ये आरोप लगते हैं कि नहीं, अपने लोगों को अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग दी जाती है, ये क्या इसमें कहीं ज़्यादा सच्चाई नहीं होती? कुछ लोग ऐसा करते होंगे, अगर ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो उसकी कोई वजह होती होगी, ऐसा नहीं है कि कोई वजह नहीं होती होगी, परंतु मेरी सोच ये है कि अगर आप सबको एक आंख से देखते हैं, एक सेकुलर विज़न रखते हैं और अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ाते हैं और ख़राब काम करने वालों को सजा देते हैं। आपकी अपनी इस 33 साल की इस यात्रा में सबसे मुश्किल ऐसा कौन सा क्षण आया? मुश्किल का क्षण कभी भी नहीं आया है, क्योंकि जो प्रोफेशनल आदमी होता है और जब बहुत पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है, अपने काम को जानता है, उसके पास उस काम को करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अनपढ़ और पढ़े लिखे में यही फ़र्क है। नवदीप जी, सबसे अच्छा कौन सी घटना रही कि अभी जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने, भारत सरकार ने ये शंका जाहिर की कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में चुनाव निष्पक्षता और शांति से नहीं हो सकते। हमने वो चैलेंज स्वीकार किया, हमारे जवानों ने और हमारी टीम ने निहाल ही कर दिया, इतनी अच्छी कामयाबी दी, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे पॉलिटिशियन है, कोई भी पार्टी का हो, सभी ने कहा कि सब इससे बेहतर चुनाव प्रबंधन नहीं हो सकते। वो संतुष्टि का एक चरम सीमा थी। कभी कई कोई पुलिस ऑफिसर फेल होता है तो कहा जाता है कि नीचे की जो गुटबाजी है पुलिस के अंदर वो फेल करती है, कि आपको इस तरह की गुटबाजी से नहीं फेस करना पड़ा? देखिए, यूँ जो लोग कमज़ोर होते हैं जी, प्रोफेशनली कमज़ोर हो सकते हैं सोच में, वो कोशिश करते हैं कि किसी को एक गुट बना लिया जाए, परंतु मेरे को 33 साल में ऐसा सामना इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निष्पक्ष रहा। कई पुलिस ऑफिसर से सुना है, अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो साइडलाइन बैठे हुए हैं, अच्छे परफॉर्मर होते हुए भी उनको साइडलाइन केवल इसलिए कर दिया गया क्योंकि अभी जो मैनेजमेंट है या तत्काल उस समय जो मैनेजमेंट होता है उनसे उनकी नहीं बनती है। पुलिस में ऐसा बहुत चलता है। देखो, हर तरह की पोस्ट साइडलाइन का क्या मतलब है कि कोई पोस्टिंग नहीं है, हर पोस्टिंग हर जगह इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तो वो बनी है। कुछ लोग शायद ये सोच सकते हैं कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, वो किसी और महत्वपूर्ण पद के लिए बने हैं, तो एक तो वो सोच की वजह से भी हो सकती है। दूसरा, कई बार कंपटीशन में लोग एल्बो आउट हो जाते हैं कि कुछ समय के लिए उनको लगता है कि ये सिस्टम में उनके प्रति न्याय नहीं है, पर थोड़ा सबर का भी हमारे कर्मचारियों को रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा बेड़ा है, इस बड़े बेड़े में नेम ऑफ द गेम इज़ नॉट टू गेट टायर्ड, थकना नहीं है। नेम ऑफ द गेम इज़ कि अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। नेम ऑफ द गेम इज़ अपनी लीडरशिप पे विश्वास रखें। नेम ऑफ द गेम इज़ कि लीडरशिप भी ऐसी उदाहरण पेश करे, कि ऐसी नज़ीर पेश करे कि नीचे वाले भी गर्व से कह सकें कि हम उनके हाथों में सुरक्षित। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और दारा सिंह एनकाउंटर में पुलिस ऑफिसर पकड़े गए, उसके बाद कहते हैं कि पुलिस ऑफिसरों ने इस तरह की
जो कार्रवाई है उनसे तो अपने आप को बचाना शुरू कर दिया है, और उन इतने डरे हुए हैं पुलिस ऑफिसर कि इस तरह के मामलों में अब हाथ डालने से बचते हैं। नहीं नहीं, इस तरह के उस तरह के मसले नहीं हैं। कानून सम्मत जहाँ जहाँ भी पुलिस को अपने उन कार्यों को करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए वो ट्रेन किए गए हैं, तो कानून सम्मत पुलिस कभी भी पीछे कदम नहीं खींचेगी। और कई जगह अपराधियों के सामने गोलीबारी की स्थिति आती है, मगर हमेशा मेरा वहाँ का जो फील्ड स्टाफ है वो विजयी रहा है, और दे हैव मेड अस प्राउड। हम गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं और वहाँ अपराध में कुछ लगा है। कोई असर नहीं डाला? ऐसा नहीं है। कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो अफसर हैं वो पॉलिटिकल एम्बिशन रखने के कारण अपने पॉलिटिकल लीनियज शो कर देते हैं और राजनीतिक दलों से अपने संबंध शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारे अफसर चुनाव में आए हैं और उन्हीं की बदौलत ये बातें आगे आई हैं। इसकी कोई वजह होएगी जो आप कह रहे हैं? क्या लगता है आपको कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिस तरह से राजस्थान में तो बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स अब राजनीति में आ गए हैं, चुनाव भी लड़े हैं। देखिए, अफसर जब रिटायर होता है तो करीब 30-35 साल की एक एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस होता है पब्लिक लाइफ का होता है, क्योंकि उन पर एक आचार संहिता लगी रहती है सारी ज़िंदगी, तो उनका कंडक्ट भी अच्छा होता है। तो इस वजह से और कई अफसर ऐसे हैं कि उनके आगे रिटायरमेंट के बाद भी मन में इच्छा जा काम करने की कोई प्रेरणा रहती है, तो वो फिर आगे और कदम बढ़ाते हैं इस तरह। और पुलिस अफसर फिज़िकली भी बहुत फिट होते हैं? पुलिस अफसर फिज़िकली फिट रहना उनकी इसलिए भी मजबूरी है कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, और हमारी इच्छा होती है कि हम यूनिफॉर्म में हमारी टर्नआउट अच्छी रहे, और जहाँ कहीं हम जाएँ उस यूनिफॉर्म की शान के मुताबिक ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए जब पूरी तरह से फिट होते हैं तो इसलिए पॉलिटिकली फिट भी होने की कोशिश करते हैं। देखो, राजनीति जो है इस समाज का एक हिस्सा है, एक काम है, एक सेवा का एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे लोग उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस वजह से भी हो सकता है करते हों कि उनको आगे और कहीं कोई सेवा करने के मौके उनके बढ़ते हों। कुछ लोग अपने इसी पॉलिटिकल लीनेज को ध्यान में रखने के चलते वो अपने राजनीतिक आकाओं के लिए मुखबिरी शुरू कर देते हैं अपने सेवा में रहते हुए। देखिए, हमारा जो पुलिस का काम है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस भी है, ये भी हमारा एक काम है, परंतु इसका मकसद होता है कि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, सुधार करना, अपराधियों के बारे में सूचना एकत्र करना, अपराधों को खोलना और व्यवस्था में एक ऐसा आवरण तैयार करना जो पंक्चर ना हो सके, इसको और अन्य कारणों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसी के चलते राजनीतिक मुखबरी तो हो रही है, लेकिन आपराधिक मुखबरी जिसके चलते अपराधों की रोकथाम होती है, शायद मेरे ख्याल से वहाँ कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है पुलिस। नहीं, हमने जो चैलेंज स्वीकार किया है, अभी हम छोटे छोटे कदम लेकर के आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। लगभग हर बार यही बात आती है कि इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि अब जो पहले के ज़माने में जिस तरह का तंत्र, मुखबिरों का तंत्र एक पुलिस खड़ा करती थी, आजकल वो नहीं रहा है। हमारी इंटेलिजेंस की बड़ी धाक है देश में विदेश में। एक के बाद एक आपके सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी भी पुलिस सर्विस के बाद राजनीति में आने की इच्छा? अभी तो मेरी इच्छा अखंड सेवाएँ पुलिस विभाग को देने की हैं जब तक मैं यहाँ हूँ। इतना आगे सोचना वैसे भी गलत है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है उसको मैं आंकलन नहीं कर सकता। राज्य की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहे, उसके लिए आखिर में जनता क्या करे? मैं अपील करना चाहूँगा कि एवरीबॉडी इन द क्यू कृपया कतार में रहें। क्यू को जंप करते हैं उसी को करप्शन कहते हैं, क्रू क्यू को जंप करते हैं उसको ट्रैफिक की अव्यवस्था कहते हैं, क्यू को जंप करते हैं तो वो झगड़े का कारण बनते हैं। एक तो ये डिसिप्लिन और क्यू में हमें देश को रखने की आवश्यकता है। दूसरा, अपने कानून को लागू करने वाली एजेंसियों में विश्वास और उनके प्रति आदर की भावना होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रैफिक का कांस्टेबल अगर बड़ी लंबी गाड़ी वाले को रोकता है तो उसको कांस्टेबल के प्रति आदर का भाव ये मान के चलना चाहिए कि ये देश का कानून है जो मुझे ये कह रहा है, तो ये बहुत आवश्यक है। यानी कि अनुशासन और विश्वास, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस के काम को तो कम कर सकती हैं लेकिन राज्य की और देश की कानून व्यवस्था को भी बहुत ही मजबूत कर सकती हैं। और एक यही रास्ता है, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बने रहना, यही एक रास्ता है देश की तरक्की का। ये थे राज्य के विशेष डीजी नवदीप सिंह। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।